हमारी 2 दिन की छुट्टी पूरी हो चुकी है और हम अपने आवास में आराम कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी हमें महाराज के राजमहल पहुंचना है, तो हम अपने आवास पर सुबह होने का इंतजार करेंगे। माता, आप इतनी रात के समय और वो भी हमारे कमरे में, हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं रानी माँ। बोलिए क्या सुनो राज माता, कि हम आपसे पूछना क्या चाहते हैं। अरे कष्ट आने तो जरूरी काम पड़ गया होता तो अगर आप अपने नौकर से संदेशा भेज देती तो ये आपका गुलाम आपके पास स्वयं उपस्थित हो जाता। तो सुनिएगा, मैं आपके पास किस लिए आई हूं? बोलिए रानी मां। और पहले जो मैं कहूंगा तुम हमारे बने, मैं तुम्हारी बने, उनके शाही इरादा सिहाते नहीं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं महाराज की दूसरी महारानी हूं और महाराज मेरी एक बात भी नहीं सुनते हैं। और दूसरी बात, मुझे ब्याह कर लाए पूरे
15 वर्ष बीत गए, लेकिन आज दिन तक मेरी कोख से एक बच्चा न पैदा कर सके, क्योंकि मेरे महाराज बुढ़े हैं, मेरे महाराज किसी काम के नहीं है। मंत्री जी, वाह महारानी जी वाह, आपके महाराज बुढ़े हैं और आपको एक नौजवान युवक की जरूरत है, तो इस सारे उज्जैन नगर में तुमको हम ही नौजवान दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप हमारे कमरे से चली जाओ, वरना हमें मजबूरन महाराज से बताना पड़ेगा। फिर तुमको इस सारे उज्जैन नगर में हम ही जवान दिखाई दे रहे हैं। अभी वो नया नया सेना पर सरताज आया है, जिसकी बात को महाराज ज्यादा मानते हैं, आप हमारी वजह उसके पास क्यों नहीं चली जाती? मंत्री जी, मैं उस रामजादे के पास गई थी, लेकिन उस रामजादे ने मेरे प्यार को इनकार कर दिया है, और वो हरामजादा जेल की सलाखों में आ रहा है। मैं आपके पास आई हूं, अगर आप भी मेरे कहना नहीं करोगे तो वही हाल करूंगी जो सेनापति जी के साथ की हूं। सोच लो और समझ लो, समय सिर्फ 2 मिनट का। इसका मतलब ये सेनापति सरताज के पास गई है, उसने इसका कहना नहीं माना तो आज वो इसकी जेल में सड़ रहा है, और अगर हमने भी इसका कहना ना किया तो सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन हमने तो उसी दिन कसम खाया था जिस दिन महाराज ने सरताज को सेनापति की नौकरी दिया था, उसी दिन भवानी सिंह ने कहा था कि महाराज इंद्रेश, एक दिन तुम्हारे उज्जैन नगर में आग लगाऊंगा। हमें तो लग रहा है कि लोहा गरम है, सिर्फ हथौड़ा मारने की जरूरत है। महारानी जी, आप यहां की महारानी है और मैं आपका वफादार नौकर हूं, लेकिन राजमाता, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहां की महारानी होकर के एक नौकर से प्यार मोहब्बत करेंगी, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मंत्री जी, सुबह का टाइम है, मैं अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूं, क्या अगर आप मेरा कहना मान गए और मुझसे मोहब्बत करने लगे तो मैं तुमसे वादा करती हूं, एक न दिन मैं तुम्हें यहां का मालिक बनाकर रखूंगी। महारानी जी, आपने अपने सर पे हाथ रखकर की कसम खा लिया, ये सौगंध खा लिया कि अगर हम आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे तो एक दिन उज्जैन नगर के तख्त और ताज का वारिस बनूंगा। मुझे विश्वास हो गया है। महारानी जी, अब मुझे यकीन और विश्वास हो गया है कि जिसके महाराज बुढ़े हो, किसी काम के ना हो, तो वो तो नौजवान को ढूंढेगी ही। मुझे यकीन हो गया है। बोलिए पहले, अरे मुझे यकीन है, यकीन ने मुझसे प्यार करे, मुझे मेरा चीज है,
आसमानी करो दिल में रहे कर मेरे दिल में रहे कर मेरे उम्र भर प्यार महारानी जी भट कटैया में जल पीस के पिया मारू ना हराम खोर मारू ना साले एक नौकर की औकात कि वो बगैर इजाजत के ठाकुर के कमरे में कैसे आया था। इजाजत राज माता से पूछो राज माता कहा हमका उरवा नहीं हुआ है तू साले कैसे मेरे कमरे में आया। अरे मंत्री जी मुझे आपका कमरा नहीं मालूम था यही तो मुझे लेकर आया यहाँ तक। तो यहाँ साले क्या करने के लिए आए? अब नहीं मारेंगे मैंने बता दी हूँ। यहाँ क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पर हम आए हैं और हम कमर यो पीटी हो और ज्यादा रंगबाजी दिखाई हो तो भी महाराज से हम बताओ जाए। महाराज से बताने जाओगे ना तो यही पर तुमको काट डालेंगे साले। अरे हम भाग जाओ नहीं नहीं काम नहीं बिगड़ा किधर सुनो मेरी बात राव सिंह यहाँ क्या करने के लिए हम ये पूछ रहे हैं। चलिए छोड़िए यहाँ से जाओ जो गेट के बाहर होटल है वहाँ बैठकर चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक जो कुछ तुम्हें खाना पीना है यहाँ से जाओ खाओ पियो मैं आ रही हूँ अभी हिसाब कर देती हूँ। अरे उसे बैंक पेपर कहते हैं बे साले पागल बाप की पागल औलाद उसे बैंक पेपर नहीं इंग्लिश में बैंक पेपर कहते हैं। और अब इधर नहीं आना मेरी मंत्री जी से कुछ पर्सनल बातें हो रही है। पर्सनल बात करो पर्सनल अबे आधे घंटे के लिए अंदर जाओ तो क्या करने के लिए आए हो? अरे यहाँ हम रामलीला देख रहे हैं। रामलीला नहीं तो साले यहाँ किस लीला हो रहा है सारे पारे को जो भी बता दिया बिगड़ जाए काम नहीं कहूंगा ज्यादा महारानी जी मंत्री जी क्या बताऊं मैं आपसे एक तरफ उस खुशट मेरे भतार को देखिए और एक तरफ कहां मेरी उम्र और कहां आपकी उम्र। अरे बाप रे हम दोनों की जवानी एकदम टनाटन है मेरे बाप इसलिए अब तो तुमको दाढ़ी वाले बाबा से मुलाकात हुई है। अरे अब एक एक हो जाए बहुत कोशिश करने अरे अब हो जाए सुनो बहुत कोशिश करने के बाद एक नौजवान मिला है तो कुछ हो ही जाए। अरे तो महारानी जी तुम्हारे यहाँ नौकरी करते करते कितने दिन से रड़ुआ बना बैठा हूँ। अरे मैं समझ रहा हूँ इसलिए तो सुनो मेरी बात को और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं मेरे प्यार में सच में मेरे बाबू अरे बाबू और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं तेरे नाम भूल कर जाऊं हमें ना भुलाना सजना हमें ना भुलाना दूर नहीं ये कौन है? अरे हुजूर आज तो छुट्टी चली गए थे महाराज ने इन्हें नौकरी पे रख लिया है खाना बहुत बेस्ट बनाती है एक नंबर का खाना हम अंगूरी चाटा करी थे। अबे हम दो दिन की छुट्टी क्या गया महाराज दुनिया का कबाड़ इसी राजमहल में रख लिया अरे बहुत बेस्ट भोजन बना यहाँ रखो जल्दी और इधर सामने आओ यहाँ से जाओ एक अच्छी सी थाल सजा करके महारानी के लिए करके चली आओ यहाँ से
आज बहुत जल्दी जल्दी भोजन आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आज ला रही हो। मंत्री जी, आपकी कहने के अनुसार मैं भोजन लेके आई हूँ। आप ही ने तो कहा एक थाली सजा के लाइए। रखा यहाँ पर, इधर सामने आओ, यहाँ से आओ। जेल के फाटक पर एक टूटी हुई थाली रखी हुई है और दो दिन पहले कैदियों से कुछ चावल मच गया था तो उसी थाली में वो चावल रख करके एक जेल में नया कैदी आया है, वही चावल उस कैदी के पास पहुंचा दो। जाओ यहाँ से। महारानी जी, क्या बताऊ मंत्री जी, ये साली दो चक्कर भोजन लेकर के आई है और कहीं हमारी तुम्हारे रामलीला को देख तो नहीं लिया है। मैं क्या बताऊ आपसे, जब मौसम बनने लगता है तो एक से एक नौकरानी भोजन लेकर। अरे ये साला यही तो नहीं साला बुला बुला के लाता जल्दी जल्दी। छोड़िए, खाना लेके आई थी खाली। और मान लीजिए वो हरामजादी हम दोनों को प्यार करते हुए देख ली हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गरीब लोग हैं, उन्हें क्या मालूम कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। आप या? हाँ गरीब है लेकिन दोनों आंखों से अंधर है वो, वो देखते थोड़ी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। महारानी जी, आवाज से हमारा और आपका प्यार हमेशा के लिए हो गया है। हो गया लेकिन मजा नहीं आया। तो इस मोहब्बत के बदले में इस अपने दीवाने से क्या चाहती हूँ मैं अपने इस मोहब्बत के बदले में और अपने दाढ़ी वाले बाबू से, बाप रे, अपने सोना बाबू से, अपने बुढ़े भतार की मौत चाहती हूँ। क्या तुम, क्या हुआ? अरे वो तुम्हारे मांग के सिंदूर है और हमारे हाथ से महाराज को मरवा करके अपने मांग के सिंदूर को मिटाना चाहती हो। मंत्री जी, जरा एक तरफ मेरी मांग की तरफ देखिए, मेरी मांग में इस समय तो नहीं है। इस समय क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे महाराज बुढ़े हैं, वो हराम ज्यादा खुशट किसी काम का नहीं है। जो इंसान किसी काम का नहीं है तो उसके नाम का सिंदूर लगाने से क्या फायदा। मैं सिंदूर लगाऊंगी, सिंदूर राष्ट्र लगाऊंगी, लेकिन वो भी अपने बाबू के नाम। महारानी जी, तुम ठीक कह रही हो कि अगर इंसान बुढ़ा हो जाए, किसी काम का ना हो तो ऐसे बुढ़ौनन को तो सालन को मर जाना चाहिए। हर घर में देखो बुढ़ौना साले बैठे, एक रुपया काम नहीं करते, साले फर्जी घर में खाते हैं, तो ऐसे बुढ़ौनन को तो सालन को मर जाना चाहिए। और महारानी जी, आज मैं कसम खा रहा हूं कि परसों की रात महाराज इंद्रेश की आखिरी रात होगी, ये ठाकुर भवानी सिंह का वादा रहा। अच्छा? अब तुम जितनी जल्दी हो सके हमारे कमरे से निकल जाओ, और अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे भी। अरे जा रही हूं, कैसे फंस जाओगे? महारानी मैं हूँ, हुकूमत मेरी चलती है। और इस बुढ़े के देखो कैसे ऐसे कर रहा है, जरा देखो मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं है। गुस्सा रहा है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे वो गुस्सा रहा है। गुस्साएगा तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। महारानी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते कम से कम एक पप्पी तो दे दो ना। अरे बाप रे, राम सिंह, इंसान प्यार मोहब्बत में ना जाने कितने खून कर देते हैं। सही बात, हमने तो महाराज की महारानी को प्यार के जाल में फंसा है। हाँ। तुम परसों की रात, हाँ, महाराज की शमशीर लेकर के हमारे पास आना। हाँ। और आज मैं कसम खा रहा हूँ, हाँ, कि महाराज इंद्रेश, हाँ, अगर तुम्हारी शमशीर तुम्हारे ही गर्दन पर न चलाया, हाँ, तो समझ ले कि अपनी माँ ठाकुरायन के कोख से पैदा नहीं हुआ। हम परसों की रात, हाँ, तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे।
हजूर यही खुशी में एक चीज दे दियो हमका। क्या? खाली एक बार दे दियो। एक बार एक दही जमतला महारानी का पंपी दे है। क्या खाली? मैंने क्या कहा कि इस समय हमें महाराज को मारने के लिए हमारी खोपड़ी में खून समा रहे, तो परसों की रात तुम महाराज की शमशीर लेकर के हमारे पास आना। जमानत जमानत हो नहीं सकती शनिवार तवार को, जमानत हो नहीं सकती शनिवार तवार को, मैं छोड़ नहीं सकता ना दोस्त को ना यार को, फर्ज फसाद गद्दारी कर नहीं सकता और बिना जमानत के तुझे रिहा कर नहीं सकता। देखिए रात दरबार में नौकरानी आई है। नौकरानी से क्या लेना देना? अरे तुम्हारा ब्याह तोरो खराब है का है? नौकरानी आई खाना बड़ा स्टैंडर्ड बनाती है, जब से तुम्हारी जेल में आओ खाना पीना नहीं खा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत खाना पीना खा ले, नहीं मर मरा गए हो, जिंदगी झंडमार हो जाएगी। अगर ये बात है तो थोड़ा खाना भेज देना। ठीक खाना आएगा, खाना खा के यहाँ बैठा कहीं जाना मत, ठीक है ना? नहीं जाऊंगा। नमस्ते करो हम चली। नमस्ते। ठीक है। जेल अभी खतरनाक है, आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और क्या सोच कर आया था कैसे क्या हो गया। मालिक मेरे बच्चों की मदद करना और मेरी भी मदद करना। और सितम अफसोस मैंने ये, सितम अफसोस मैंने ये, सजा किसे जुर्म की पाई, करने का समय है, थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। हमारे महाराज और मंत्री जी का सख्ता दे से कि यहां से आप जाइए जेल और जाके कैदी को भोजन दो जाए। अब मैं जेल आ गई हूं, जाके कैदी को भोजन देती हूं। ए कैदी, या भगवान आज मैं जेल में क्या देखती हूं? हमारे पति नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप हमसे क्या बता कर आए थे, और मैं अपनी आंखों से आज क्या देखती हूँ? आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया, ये सब कैसे हो गया?
समाचार है? अपना बेटा शरद कैसा है बोलो। अपना बेटा शरद अच्छा है, और महाराज ने अपने बेटे को सिपाही की नौकरी दे दिया है। अपना बेटा इस रात दरबार का एक सिपाही है नाथ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है। किस बात का? मंत्री भवानी सिंह और महारानी पल्लवी दोनों एक हो गए हैं, और महाराज इंद्रेश की जान खतरे में है। उनकी कैसे जान बचाई जाए नाथ, मेरे तो दिल घबराता है। सुनो हमारी बात को, एहसान का बदला चुकाना है किसी तकदीर से, और तुमको छुड़ाना है प्रिय मुझको बंद, और मैं प्रिया जाल में फंसी और गया हूँ। सभी जितने जल्दी हो सके तुम मुझे इन जंजीरों से आजाद करा दो, और मुझे विश्वास है कि तुमने हमेशा हमारे दुख और सुख में साथ दिया है, और आज भी विश्वास है कि तुम हमारा साथ दोगी। अब जितना मैं कहूं
सिर्फ तुम्हें उतना करना है। क्या मुझे करना है बताइए? महाराज को वचन दिया है, महाराज एक दिन वक्त आने पर इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। तुम यहां से फौरन निकल जाओ, क्योंकि जेलर का आने का समय है, और जेलर अगर इस राज को समझ गया तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी, इसलिए जाओ। लेकिन प्राणनाथ आप घबराइए नहीं, पूरी कोशिश मैं करूंगी आपको इंजन जीरो से आजाद करवाने की। लेकिन क्या आप कहते हैं मैं यहां से चुपचाप निकल जाऊं? अब रुकने का समय नहीं है। नहीं नाथ, 6 बरस बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है और मैं आपको इस हालत में छोड़कर जाऊंगी। मेरी भी फांसी आपके साथ हो जाए, लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में नहीं छोड़कर जाऊंगी।